थाना रिफाइनरी क्षेत्र में नशे की हालत में एक महिला ने जमकर हंगामा काटा और सगे भांजे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला के नशे की हालत में सड़क पर हंगामा होता देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने महिला को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेज दिया। इस मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। थाना रिफाइनरी क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी एक महिला सड़क पर आ गई और अचानक हंगामा करने लगी। यहां महिला अपने सगे भांजे पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाने लगी। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस मामले में महिला के पति का कहना है कि उसकी पत्नी 3 दिन से घर से लापता है। वहीं पत्नी जो आरोप लगा रही है वो उसके संज्ञान में नहीं है। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत त्यागी ने बताया कि घटना के बारे में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है, लेकिन नशे की हालत में महिला ने काफी देर तक हंगामा किया और भांजे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। इसकी माँ, इसके भाई ने मेरे साथ 2 बार बलात्कार करने की कोशिश की। भाई ने क्या है? तो भांजे ने क्या कुछ किया मेरे साथ? अभी मुझे कमरे में मैं लेटी हुई थी, मेरे साथ बच्चों को फोन दे दिया बाहर, कमरा बंद करके मेरे साथ बलात्कार किया है मेरा। कब की बात है ये? अभी की है, आज की बात है। अभी कितना देर हो गई मुझे यहाँ, उससे पहले ही किया। क्या चाहती हो आप? मैं सबके खिलाफ कंप्लेन करना चाहती हूँ। इसमें इनको सब सपोर्ट करते हैं, इनके भाई, इनके बहनोई, इनकी दीदियाँ, इनका भांजा, ये खुद सब लोग मुझे सिर्फ मुझे मारते हैं, पीटते हैं।